हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, हमने पिछले पार्ट में कहानी लेखन के बारे में पढ़ाई की। अभी लेसन नंबर 27 है, अपठित गद्यांश। भाषा माधुरी इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 27 अपठित गद्यांश। अपठित यानी अनसीन। अपठित का मतलब है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो देखो, अपठित का मतलब है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। हमें ऐसे गद्यांश को पढ़ना, समझना तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करना चाहिए। तो देखो, हमें ऐसे गद्यांश को पढ़ना, समझना तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करना चाहिए। आइए नमूने के लिए अपठित गद्यांश देखें और समझें। गांधी जी ने देश की जनता को जगाया और भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। तो देखो, हमारे महात्मा गांधी जी ने देश की जनता को जगाया और भारत में जो भी विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने सत्य अहिंसा पर बल दिया। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, जोर दिया। उनका कहना था कि हमारी लड़ाई अंग्रेजी शासन से है, अंग्रेजों से नहीं। तो देखो, गांधी जी का कहना था हमारी जो लड़ाई है वह अंग्रेजी शासन से है, अंग्रेजों से नहीं। उन्होंने एकता के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जी ने एकता के लिए आंदोलन चलाया। भारत की जनता ने उनका साथ दिया और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो यहाँ पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए हैं और आंसर भी दिए हैं। शीर्षक लिखिए, ये जो पैराग्राफ दिया है इनका शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है गांधी जी या आजादी का आंदोलन। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसको जगाया? तो उसका उत्तर है, गांधी जी ने देश की जनता को जगाया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उनका कहना क्या था? तो उत्तर है, उनका कहना था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हमारी लड़ाई है अंग्रेजों से नहीं। फोर नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने किस लिए आंदोलन चलाया? तो उसका उत्तर है, उन्होंने भारत की आजादी के लिए आंदोलन चलाया। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ? तो उसका उत्तर है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो बच्चों, हे हो गया इसी तरह अपठित गद्यांश। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।